बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की आने वाले दो ईयर में कई ज्यादा बड़े मूवी आ रही है। बता दो कि सिर्फ ईद नहीं क्रिसमस भी सलमान भाई की दखल में है। आए दोस्तों देख लो सलमान भाई की अपकमिंग कौन मूवी आ रही है। नो एंट्री में एंट्री, ये कॉमेडी फिल्म होगी और ये नो एंट्री का सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी। फिल्म का प्रोड्यूसर बॉनी कपूर रहेगी और नो एंट्री में एंट्री के बजट 100 करोड़ से ज्यादा है। बता दो कि इसकी रिलीज 2018 में होने वाला है। वांटेड 2, सलमान खान की वांटेड का सिक्वेल वांटेड 2 को प्रभु देवा डायरेक्ट करेंगे। फिल्म का एक्ट्रेस अभी कंफर्म नहीं हुआ। वांटेड 2 का रिलीज डेट 2018 रखा गया है। ये एक बेहतरीन एक्शन मूवी होगी। किक टू सलमान भाई की मूवीज किक का सेकंड पार्ट है और फिल्म की डायरेक्ट कर रही है साजिद। फिल्म के एक्ट्रेस के रूप में दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया है। 2019 में किक 2 का रिलीज होने वाली है। भारत, सलमान खान की ब्रदर इन लॉ और प्रोड्यूसर रतुल ने सलमान खान के साथ बॉडीगार्ड बनाई थी और सलमान खान रतुल के साथ और एक मूवी करेंगे। और बता दूं कि फिल्म के नाम है भारत और इस फिल्म की अबू जफर ने डायरेक्ट करेगा और भारत 2019 की ईद पर रिलीज होगी। और भारत है एक्शन मूवी और बड़ी बात यह है कि भारत में प्रियंका चोपड़ा के साथ दिशा पटानी भी नजर आएगी। पार्टनर का सिक्वेल पार्टनर 2, ये फिल्म को डेविड धवन ने डायरेक्ट करेगा और इस फिल्म में सलमान और गोविंदा फाइनल है और ये एक कॉमेडी मूवी होगी और फिल्म को 2019 में रिलीज किया जाएगा। दबंग 3, सलमान खान का सुपरहिट मूवी दबंग का सिक्वल दबंग 3, इसे अरबाज खान डायरेक्ट करेगा और ये एक एक्शन मूवी होगी। रिलीज 2019 पे किया जाएगा और बता दो कि ये चेंज कर 2020 में रिलीज हो सकती है। शेर खान, और ये शेर खान है एक्शन मूवी। इस मूवी का बजट है 100 करोड़ से ज्यादा और इस मूवी को सोहेल खान ने डायरेक्ट करेगा और ये मूवी 2019 पे रिलीज होगी। बता दो कि ये चेंज होकर 2020 पे पोस्टपोन हो सकती है। तो दोस्तों ये रहा सलमान खान की अपकमिंग मूवीज। इस सभी मूवी में सलमान खान की किस मूवी से ज्यादा इंतजार रहेगा आपको, कमेंट करके मुझको बताएं। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करना और दोस्तों एक बात, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।